जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, और वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको साधना बताऊंगा, वो साधना एक औघड़ साधना है और महाकाली की साधना है। और इस औघड़ साधना को आप घर पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं शमशान में जाने की जरूरत पड़ेगी या कहीं सुनसान जगह में जाने की आवश्यकता होगी। आप इसको अपने घर पे ही कर सकते हो। साधना सात्विक तरीके से है, लेकिन औघड़ साधना है जो ग्रामीण मंत्र होता है, गांवों में जो नॉर्मल जो लोगों के एक दूसरे को मंत्र प्रदान करते हैं या फिर साधनाएं करवाते हैं, या पहाड़ी तरीके से, मतलब कहने का कि आप इसको ग्रामीण मंत्र समझ लीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार की साधना है। और देखिए, मैं अब फिलहाल में थोड़ा स्वस्थ हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए वीडियो तो काफ़ी दिन बाद आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम तो थोड़ी थी, लेकिन वो सभी समस्याएं धीरे धीरे सब सॉल्व हो गई हैं। अब रही बात कुछ मैसेज करने वालों की, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, वो लोग मुझे मैसेज बिल्कुल भी ना करें इस प्रकार के कि भाई किसी का वशीकरण कर दो जी, किसी को उच्चाटन कर दो जी, क्या मारण क्रिया कर दो जी। देखो, इस प्रकार की क्रियाएं हम नहीं करते हैं और ना ही हम कोई ट्रांसफ़र करते हैं। कोई कहने लगे जी ट्रांसफ़र किसी भी शक्ति का, तो ऐसे ट्रांसफ़र वाला काम हम नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने जो खाया है वो मेरे ही पेट में जाएगा, वो आपके पेट में नहीं आएगा। तो इसलिए आपने जो खाया है वो आपके पेट में जाएगा। साधना आप करोगे तो आपको ही उसका फल मिलेगा, सिद्धि आपको ही प्राप्त होगी। और इस प्रकार के कार्य हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि जी वशीकरण के लिए जी मेरा वशीकरण कर दो, या फिर फलाने का वशीकरण कर दो। भाई मैं क्यों कर दूं, या मेरी उससे शादी होने वाली थी और उसकी शादी किसी और से हो गई, तो मुझे कोई मार्ग दिखाओ। क्या मार्ग दिखाऊं इसमें मैं आपको भाई? ये तो जब उसकी शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है तो आपका तो बीच का मैटर ही खत्म हो चुका है। अब अगर कोई उनकी शादी बीच में तुड़वाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उनमें आपस में अनबन होती है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ये तो महापाप हो गया। तो ऐसा कार्य कोई क्यों करेगा भाई? अगर करना है तो आपको, आप खुद करो, फिर उसका फल भी आप खुद भुगतो तो उसका। तो इसलिए इस प्रकार के मैसेज मेरे पास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम सिर्फ साधनाएं करवाते हैं, साधनाएं सिखाते हैं। मंत्र सिद्ध करना हो तो हमारे पास आइए, साधना सिद्धि प्राप्त करनी हो तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के कार्य ना तो हमारे यहाँ होते हैं और ना ही हम किसी के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब बात आती है साधना की। तो देखिए, ये जो आदिवासी औगढ़ महाकाली की साधना है ये, और ये केवल 7 दिन की साधना है, केवल 7 दिन की, और 7 दिन में ही ये मंत्र सिद्ध होगा आपका। और हर बड़े से बड़े तंत्र की ये काट है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर काले जादू का प्रयोग कर देते हैं, तंत्र मंत्र क्रिया करवाते हैं, या फिर मैली विद्या उनके ऊपर आजमाते हैं। तो इन सभी विद्याओं का निवारण इस एक ही साधना से आप कर सकते हो। जो साधक है उसकी हर प्रकार से सुरक्षा होती है, सुरक्षा मंत्र भी है ये, और किसी भी तंत्र मंत्र की काट का भी मंत्र है ये। इस मंत्र के द्वारा भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, डाकनी साकनी, जिन्न बेताल, ब्रह्मराक्ष, ये किसी भी प्रकार से आप इसके द्वारा निवारण कर सकते हो। इस साधना से बड़ी से बड़ी शक्ति को उतार करके आप जो है अलग कर सकते हो किसी भी व्यक्ति से इस साधना से। देखिए, महाकाली के विषय में आप जानते तो हैं,
कि इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अगर सबसे पहला नाम आता है तो वो महाकाली का आता है। और ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं, हर जगह आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन ये जो साधना है ये महाकाली के औघड़ स्वरूप की साधना है और ये साधना आदिवासी साधना है। पहाड़ी मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है, और जो बहुत ही तीव्र है और असरकारक भी है। आप सब लोग जानते भी हैं कि जो ग्रामीण मंत्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होते हैं और तीक्ष्ण होते हैं, वो जिनका प्रभाव जो है तुरंत देखने को मिलता है। अब इसके द्वारा आप किस प्रकार के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं? ये साधना जो है मुख्य रूप से भूत प्रेत को उतारने के लिए, मैली शक्तियों को उतारने के लिए उसकी ये साधना है, और ये एक सुरक्षा की भी साधना है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत, जिन्न, बेताल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, पिशाचनी, डाकनी साकनी, सब किसी को उतार सकते हो आप। और इसके द्वारा साधना के समय सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हो आप, अपने आप को सुरक्षित भी कर सकते हो। अगर मान लिया कहीं आप साधना कर रहे हो तो वहां भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हो, चाहे कहीं पर भी हैं आप। और जो व्यक्ति भगताई का काम करता है या ओझा का कार्य करते हैं उनके लिए तो ये साधना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है, क्योंकि इसके माध्यम से वो बहुत से पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो ये साधना सात्विक साधना है, और इस साधना में जो आप को आवश्यकता होगी इसको करने के लिए, इसमें कुछ विशेष सामग्री की भी आवश्यकता होगी। महाकाली यंत्र जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, और काली हकीक माला ये भी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, एक रक्षा माला जो आपको अपने गले में धारण करके और मंत्र जाप आपको फिर करना है। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो माला उतार करके आप अपने पूजा स्थान में ही रख दें। इसके अलावा जो सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि नारियल हो गया, काला कपड़ा हो गया, 5 प्रकार की मिठाई हो गई, नींबू, लौंग, बतासे, ठीक है, इस प्रकार की ये जो सामग्री है इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब इस साधना में आपको जो माला है वो काली हकीक माला से भी आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी इसमें चल जाएगी, ठीक है। दोनों माला में से कोई सी भी माला हो, दोनों चलेंगी। 7 दिन की साधना है और 3 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है। उत्तर दिशा में मुख करके आपको मंत्र जाप करना है। रात्रि के 10 बजे से आपको साधना शुरू करनी है। आसन आपका काले रंग का होना चाहिए, वस्त्र आपके काले रंग के होने चाहिए, सरसों के तेल का आपको दीपक इसमें लगाना है, और धूप जो लगानी है वो या तो गूगल की धूप हो या फिर कोई भी धूप आप लगा सकते हैं। पूजन आपको केवल पंचोपचार करना है। पंचोपचार में क्या आता है? धूप दिखाना, दीप दिखाना, पुष्प चढ़ाने, चावल चढ़ाने और भोग लगाना, केवल ये मात्र छोटा सा पूजन होता है पंचोपचार, ठीक है। और अब आपको करना क्या है इसमें, कि जैसे कि मान लिया आपको साधना शुरू करनी है, और साधना शुरू करने से जैसे कि नवरात्रि में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं, या फिर अमावस्या को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कृष्ण पक्ष होना चाहिए, जब आप साधना शुरू करें तो कृष्ण पक्ष होना चाहिए, अमावस्या की तिथि हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जिस दिन आपको साधना शुरू करनी है उसी दिन आप दिन में कुछ सामग्री ले लें, ठीक है। और जो मैंने आपको सामग्री बताई है ना, यंत्र, माला, रक्षा माला, ये जो सामग्री हैं ये मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होंगी, और इन सामग्री को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, वहां से व्हाट्सएप करके और सामग्री आपको मिल जाएगी।
आप सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले दिन जो आपको जहां भी महाकाली का मंदिर हो या देवी दुर्गा का मंदिर हो, महाकाली का ना हो तो देवी दुर्गा का हो, वहां जाकर के 5 प्रकार की आपको मिठाई, नींबू, लौंग, बतासे, 5 इलायची, सुहागा का सुहागी जो पैकेट होता है सुहाग का, श्रृंगार का पैकेट, 5 पीस बर्फी के, सुपारी, जायफल, नारियल, धूपबत्ती, कपूर इत्यादि जो ये सामग्री है, और भोग प्रसाद जो भी आप लेना चाहें वो महाकाली के मंदिर में जाएं या दुर्गा के मंदिर में, वहाँ जा कर के पूजन करें माता का, और ये पूरी सामग्री आपको माता को चढ़ा देनी है, अर्पित कर देनी है, फिर आप साधना शुरू करेंगे रात्रि में। और जब आपकी साधना खत्म हो होगी, जिस दिन खत्म होगी, फिर उससे अगले दिन आपको यही सामग्री फिर दोबारा से मंदिर में आपको जाकर के पूजन करके और फिर चढ़ानी होती है। ठीक है, 2 बार आपको सामग्री मंदिर में चढ़ानी है, ये लास्ट लास्ट में और शुरुआत में। अब जो मैंने आपको बताया है उसके अनुसार आप पूजन करके सामग्री चढ़ा करके घर आ जाइए रात्रि में 10 बजे स्नान आदि करके, और अपने पूजा घर में ही कहीं पर भी आप बैठ करके, जहां एकांत जगह हो वहां बैठ करके और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। सामने एक चौकी लगा लें, काला वस्त्र बिछा लें, तेल का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा लें, पुष्प लाल रंग के ले लें, थोड़े चावल ले लें, ठीक है, और भोग ले लें। भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं माता के लिए, और सामने भगवान शिव की तस्वीर हो, महाकाली का चित्र हो और साथ में ही गुरुदेव का चित्र हो। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु माना है तो फिर उनका चित्र हो, और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर उनका चित्र हो, या जिसको भी आपने गुरु माना है उनका चित्र हो। ठीक है, सबसे पहले आप गणेश पूजन करेंगे, गुरु पूजन करेंगे, ठीक है, अपने कुल देवता कुल देवी सबका स्मरण करेंगे, जो पितर हैं आपके उनका भी स्मरण करेंगे और उनसे भी आज्ञा लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, नॉर्मल पंचोपचार पूजन करें गुरुदेव का, भाई उनको धूप दीप दिखाना है, चावल चढ़ाने, पुष्प चढ़ाने, भोग लगाना, और गुरुदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। जो भी आपका गुरु मंत्र है, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो उसमें आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। उसके साथ में ही आपको छोटा सा गणेश पूजन कर लेना है, ठीक है, भैरव पूजन कर लेना है, और अपने कुल देवता कुल देवी जो भी आपके हैं और अपने पितृदेव उनका स्मरण करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि इस साधना में सहायता करें। ठीक है, और इस साधना में किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो रक्षा माला है वो अपने गले में धारण कर लें, और साथ में ही जो महाकाली यंत्र है उस यंत्र को किसी भी प्लेट में आप स्थापित कर दें। उसके बाद महाकाली का पूजन आपको करना है। अब महाकाली के पूजन जैसे गुरु पूजन किया है उसी तरीके से आप महाकाली का भी पूजन करेंगे, ठीक है, सिंदूर का टीका लगाना, पुष्प चढ़ाना, चावल चढ़ाने, धूप दीप दिखाना, और अपने जो भी उनका भोग प्रसाद है वो लगाना। इसी प्रकार से यंत्र का आपको पूजन करना है, यंत्र का भी पूजन इसी प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा कि लास्ट वाले दिन तो आपको एक हवन करना है, और वो घी से हवन करना है आपको, देसी घी से, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है,
पहले मैं साधना के विषय में बता देता हूं। ये साधना जो आप माता की करेंगे, इसमें पूजन आपका पूर्ण रूप से हो गया और सब कुछ हो गया। इसमें आपको जो 7 दिन तक आपको मंत्र जपना है, ठीक है, और 3 माला का इसमें आपको जाप करना है। इसमें कम से कम आपको 1 घंटे का समय आपको लगेगा, और जब आप 3 माला का जाप कर लेंगे तो फिर आपको 1 माला का अपने गुरु मंत्र का ही आपको जाप करना है, ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, झम 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 लई 7 समुद्र 100 धार हाड़ खाए मांस गलाए नहीं माने पाप दोख भूत बैताल धारा झोंटा पीठ में लाठी डंडे रस्सी गल्ला फांसी गोड़ में बेड़ी हाथ में जंजीर मुंह में तब्बा लगाई के मनाई के समझाई के बुझाई के सुझाई के ए भूत के लई बाहर कर संकर गुरु के लागे प्रणाम, ठीक है। ये मंत्र है, इस मंत्र को पहले आप अच्छी तरह से ठीक प्रकार से याद कर लें। जब ये आपकी जबान पर रट जाएगा फिर आप इसका साधन करेंगे, ठीक है, और 3 माला का आपको जाप करना है, और 3 माला जप करने के बाद फिर 1 माला गुरु मंत्र की आपको जाप करनी है। अब इसमें जो आपको कुछ सावधानियां रखनी हैं, एक तो ब्रह्मचर्य आपको पूर्ण रूप से रखना है, ठीक है। नॉर्मल जो भी साधनाएं आप करते हैं सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य व्रत तो रखना ही होता है। भोजन आपको सात्विक करना है। साधना का जो स्थल होगा आपका ही घर का एकांत कक्ष होगा, इसमें आप स्थान परिवर्तन आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप आज साधना यहाँ कर रहे हो कल कहीं दूसरी जगह चले जाओ तो साधना वहाँ करने लगो। जिस जगह आपने एक बार साधना शुरू कर दी उसी जगह पर आपको प्रतिदिन साधना करनी है। दिन में चाहे आप कहीं भी रहो लेकिन साधना के समय आपको वहीं पर रहना है। ध्यान करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आवाहन जो इसमें करना है आप मानसिक रूप से कर सकते हो माता का। अब अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप ये साधना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि योगी सन्यासी करेंगे, जो गृहस्थी व्यक्ति हैं वो भी कर सकते हैं। धार्मिक स्थल है कहीं पर, आप वहाँ आ जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। स्त्री भी इस साधना को कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही करेंगे, स्त्री भी कर सकती हैं। और जो आपको रोज जो माता को भोग लगाना है उसमें पंचमेवा होना चाहिए, बतासे लौंग इलायची बर्फी और 2 लड्डू, ये माता को आपको भोग लगाना है, और नींबू की बलि आपको देनी है, ठीक है। मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया, अमावस्या नवरात्रि का जो कोई भी शुभ मुहूर्त हो उसमें आप कर सकते हो। अब जैसे कि मान लिया कि आपने जो अंतिम दिन है, जैसे कि अंतिम वाला जो पूजा साधना में जो आवश्यक जैसे कि पूजा आपने कर ली, फिर उसके बाद माता की आरती कर ली, माता की आरती करने के बाद 1 नींबू की बलि आपको जरूर देनी है, ठीक है। नींबू आप चढ़ा करके काट करके और थोड़ा सा निचोड़ देंगे माता का नाम लेकर के, तो वो आपकी बलि मानी जाएगी। इस तरीके से आपको साधना करनी है 7 दिन। अब 7वें दिन जब आपका मंत्र जब समाप्त हो जाएगा, रात्रि में होगा, तो 108 बार आपको यानी 1 माला का आपको हवन करना है, और वो घी से करना है। 1 कटोरी में घी ले लें देसी, और वहीं पर आम की लकड़ियां पहले से ही ला करके रख लें, और कपूर की सहायता से उसमें आग जला लें, ठीक है। माला आप उल्टे हाथ से गिनती कर सकते हो कि भाई 1 माला का जाप करें, यानी 108 मंत्रों से हवन आपको करना है, तो आप गिनती कर सकते हो माला के मोतियों से। तो उल्टे हाथ में माला आप ले लें
और केवल गिनती करने के लिए। एक बार मंत्र पढ़ें और चम्मच से थोड़ा सा घी अग्नि में को समर्पित कर दें। इसमें स्वाहा शब्द आपको नहीं लगाना है, क्योंकि साबर मंत्र है, औघड़ मंत्र है, तो इसलिए स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली है, तर्जनी उंगली, उंगली जिसको बोलते हैं, हवन करते टाइम आपको ये उंगली अलग रखनी है। चम्मच को पकड़ना है तो तीन उंगली और अंगूठे से, ठीक है, तर्जनी वाली उंगली अलग रहेगी। इस प्रकार से एक माला का आपको हवन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगले दिन माता के मंदिर में जा करके, जैसे आपने पहले साधना शुरू करने से पहले पूजा वगैरह की थी, अर्चना की थी और कुछ सामग्री वहाँ पर चढ़ाई थी, इसी प्रकार से फिर आपको पूजा अर्चना करनी है और वहाँ पर फिर वही सामग्री आपको दोबारा से चढ़ानी है। सामग्री पहले ही ला करके रख लें, ठीक है, और ये साधना तब आपकी पूर्ण होगी और इस मंत्र में तीव्र शक्ति आ जाएगी फिर। और फिर इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगे हुए बड़े से बड़े भूत और शक्ति को उतार सकते हैं फिर। और आप जो काले कपड़े में जो नारियल है, नारियल आप पूजा घर में, आपको नारियल मैंने बताया था, नारियल भी रखना है एक, और माता का चित्र भी, थोड़े से चावल भी वहाँ पर रखने हैं। और उस नारियल को आप अपने पास ही रखें। जब भी आप कहीं ऐसी जगह जाएं कि जहां आपको लगे कि कोई व्यक्ति हमारी विद्याओं को बांध सकता है, तो उस नारियल को अपने पास रखें। जब तक वो नारियल आपके पास रहेगा, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। आपकी विद्याएं कोई नहीं बांध सकता है, कोई बंधन नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। अब अगर आपको प्रयोग करना है तो किस प्रकार से करेंगे? अगर किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की ऊपरी विद्या है या कोई मैली विद्या का साया है, तो आप क्या करेंगे, एक नींबू ले लेना है आपको और उस नींबू को 21 बार मंत्र पढ़ करके उसको अभिमंत्रित कर लें, ठीक है, और फिर उस व्यक्ति के सामने उस नींबू को रखें। तो जो शरीर में उसके ऊपर जो शक्ति होगी ना, या तो वो नींबू को छुआते ही उस व्यक्ति से वो छोटा मोटा भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, और अगर तकड़ी चीज होगी तो वो सवारी के रूप में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद महाकाली के नाम से हवन आपको करना है, हवन आपको शुरू कर देना है और नींबू लेकर के जैसे हवन आपने लास्ट में किया था उसी प्रकार से हवन करना है, और नींबू को 21 बार अभिमंत्रित करके उसके शरीर से छुआना है, और फिर उस नींबू को काट करके, और एक नारियल भी ले लें माता के नाम का ही, नारियल को भी छुआ करके और फिर नारियल फोड़ करके और अग्नि में आपको समर्पित कर देना है। यानी नींबू और नारियल दोनों की आपको बलि दे देनी है। आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो भी विद्या थी या जो भी उसके ऊपर भूत प्रेत था, वो चिल्ला करके भाग जाएगा तुरंत तुरंत, वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित हो जाएगा वो व्यक्ति। इसके द्वारा, इस मंत्र के द्वारा आप सुरक्षा धागा बना करके भी आप दे सकते हैं, ठीक है। नींबू उतार करके 21 बार मंत्र पढ़ते हुए नींबू उतार करके उसकी भी बलि आप दे सकते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर साधना करते टाइम बीच में किसी प्रकार के आपको दृश्य दिखाई दें, तो आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, चुपचाप आपको साधना करनी है, ठीक है। ये साधना जो है सभी प्रकार के जादू टोना, अभिचार कर्म, किया कराया, मैली विद्या, सब कुछ इस साधना के द्वारा आप समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही तीव्र साधना है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।